मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ और देखता हूँ कि मैं अजीब मुकाबला है और इस अजीब मुकाबले में देखते हैं कि मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं और देखता हूं कि मैं किस कदर जीप इसको चला सकता हूं। तो मेरे साथ रहे ट्रैक पर मैंने गाड़ी डाल दी है। अब देखते हैं कि कितने वक्त में हम इसको तय करते हैं। बर्फबारी हो रही है, थोड़ा सा ट्रैक भी इनको दिखाए। ये ट्रैक आप देख सकते हैं, हमारे मुकामी ड्राइवर है सारे कलाम के, बहरेन के, मदियन के, इधर उशु मुल्तान के, तो काफ़ी लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये इस दफ़ा मुकामी सतह पर इन लोगों का ये पहला इवेंट है कि उन्होंने ये कर दिया है। बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आप में गाड़ी चलाने की सलाहियत है तो आप इसको बिल्कुल चला सकते हैं। ये अगर आप देखें तो बहुत ही गंदा ट्रैक है, बर्फ़ के जो है ना वो दीवारें बन चुकी है, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा लेकिन मैं चला दूँगा इंशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक मुश्किल ट्रैक है ये। आप गाड़ी का अंदाज़ा जो है ना वो मोबाइल से आप कर सकते हैं कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी को। तो हमारे जो कलाम के और दिगर जो मुकामी स्वाद के ड्राइवर हैं उन्होंने इस पर अपने महारत का खूब मुजाहिरा किया। चूँकि मैं भी एक एडवेंचर ड्राइवर हूँ और मुझे गाड़ी चलाने का बचपन से शौक़ है। 13 साल की उम्र में मेरे पास गाड़ी थी और मैं भी इस किस्म की ड्राइविंग का शिदाई हूँ। तो ये एक मैंने सोचा कि मैं भी इसमें थोड़ा सा ट्राई करूँ और आपको बता सकूँ और दिखा सकूँ कि किस तरह जो है ना बर्फ़ पे अपनी गाड़ी चलानी है,
फोर व्हील गाड़ी होनी चाहिए, ये प्राडो गाड़ी है और बेहतरीन मेरा ख्याल में 98 मॉडल है ये, क्या किस तरह है। हमारे कुछ दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इनको दिखाएं। ये चूँकि गाड़ी को वज़न जो है ना वो हो, तो फिर आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप इसको चला सकते हैं। तो मैंने, मेरा ख्याल है कि ट्रैक जो है ना मुकम्मल अभी होने को है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन मैं इस अपने दोस्तों का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की और मेरे शौक को पूरा किया, और साथ साथ हमने वीडियो भी बनाई ताकि एक टिकट में 2-3 मज़े हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि स्नो जीप रैली में पहले जो हुआ था फ्रंटियर 4x4 क्लब के ज़ेर एहतमाम जो हुआ था, इसमें काफ़ी मुल्क भर से ड्राइवरों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन उस वक़्त बर्फ इतनी नहीं थी, अब बर्फ बहुत ज़्यादा है और बेहतरीन है। और इसमें गाड़ी का ग्रिप, अगर आपके पास हुनर हो और आप एक्सपर्ट हो, तो फिर आप इसमें गाड़ी में अगर आपका ग्रिप हो तो फिर आपको एंजॉय कर सकते हैं। हमने मुकम्मल कर दिया है, मुश्किल नहीं है, मैंने रेस में हिस्सा नहीं लिया, मैंने वैसे चलाया, लेकिन अच्छा है। बाकी हमारे जवानों ने, जो ड्राइवर्स है उसने काफ़ी महारत का मुजाहिरा किया, और बहुत ही मुश्किल है गाड़ी का ग्रिप बर्फ़बारी में, और ख़ासकर जब बर्फ़बारी हो रही हो और इसके बाद अगर 2-3 दिन हो जाए तो बर्फ़ जो है ना वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, तो इस पर गाड़ी का ग्रिप जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये बेहतरीन रहा मेरा ख्याल में, एक आलाम में जितने भी स्नो जीप रैली का इनेकाद किया गया है इसमें ये शानदार रहा, क्योंकि एक दिन वैसे सूरज में और दूसरे दिन बर्फबारी, क्या ही बात है। कलाम की तो यही मजे है, मेरे साथ रहे। वेरी गुड यार। अच्छा ये एक इससे बात करते हैं कि ये तकरीबन तीसरे नंबर पर ये आया है, अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने तो गाड़ी बिल्कुल हवा में उड़ा दी यार, इतना खतरनाक ड्राइविंग क्यों करते हो? और क्या क्या मसला है? ये हमारा शौक है, इसीलिए हमको बहुत मजा आता है। अच्छा मजा आता है, तो गाड़ी खराब नहीं होती? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आपने कितने टाइम में ये ट्रैक किया था? 37 में मैंने किया था। 37 में आपकी पोजीशन किस तरह आई? तीसरे नंबर पर आई। वेल डन जी, मेरी दुआ है कि आप अगले साल जो है ना मजीद आप कामयाबी समेटे। और ये हमारे मुकामी है यहाँ कलाम के, तो मतलब खूब उन्होंने भी इंजॉय किया, सयाहों को भी एंटरटेन किया और हमें भी एंटरटेन किया। शुक्रिया जी। सही है, ओए खतरनाक रहा है। तवक्कु करता हूँ कलाम के नौजवानों से कि ये रंग नस्ल पार्टी और बिस्तगी उससे बालातर होकर कलाम के लिए ये जो विंटर टूरिज्म है इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे, और हमारी मीडिया के दोस्त जो कैमरे के आंख से ये सब कुछ बाकी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, इनसे भी तवक्कु करता हूँ कि ये मदद करेंगे हमारे, और करती भी है, इन्होंने किए भी है हमारी मदद की है। इधर ये कलाम के नौजवानों की मदद की है, तो मैं सबको अपील भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को ज़बरदस्त बनाया है और उसको 4 चांद लगाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ रोड खुले रहे, यहाँ पर विंटर टूरिज्म प्रमोट हो, यहाँ पर लोगों को सर्दियों में भी रोज़गार मिले, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनको बेहतर सहूलत यहाँ पर मुहैया हो। दरख्वास्त करते हैं कि वो उसके लिए 3000। अच्छा, आपका नाम और ये बताएं, आपने
ट्रैक कितने मिनट में तय किया, मुश्किल था आसान था? जी, मेरा नाम इरफान है और ट्रैक तो काफ़ी मुश्किल थे, 2 किलोमीटर से कम था, तकरीबन इसको 1 मिनट और 40 सेकंड में मुकम्मल किया। अच्छा, ये बताएं पहली पोजीशन लेने में क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो काफ़ी महसूस हो रही है और मैं खुश हूँ, काफ़ी मुश्किल ट्रैक था, उसको कम टाइम में जो चेस किया। जी, ये ट्रैक का फासिला 2 किलोमीटर फासिला था और 1 मिनट और 46 सेकंड में हमने ये ट्रैक क्रॉस किया और हम मैंने इसको क्रॉस कर लिया 1:49 सेकंड में और ट्रैक बहुत मुश्किल था, गाड़ी फिसल रही थी लेकिन इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टफ ट्रैक था, फिसलन थी, बर्फ था और ये जो ट्रैक हमने कवर किया है 2 किलोमीटर का ट्रैक 1:46 सेकंड में और सेकंड पोजीशन मैंने हासिल किया है